आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड की बायोग्राफी को देख रहे हैं। एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बहुत सारे टीचिंग्स एग्जाम में इनकी थ्योरी पूछी जाती है। एड ईगो सुपर ईगो से सवाल आते हैं, अनकॉन्शियस माइंड से सवाल आते हैं, तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो पार्ट वन जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये उसका पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने देखा था कि 1856 में सिगमंड फ्रॉइड का जन्म होता है। बड़ी कंफ्यूजिंग फैमिली होती है, बड़ी फैमिली होती है। इनके पिताजी इनसे 40 साल बड़े होते हैं। इनका जीवन आगे बढ़ता है, बड़े ब्रिलियंट चाइल्ड होते हैं। उसके बाद पढ़ाई के क्षेत्र में आते हैं, मेडिकल फील्ड में आते हैं। मेडिकल फील्ड में फिर थ्योरीज डेवलप करना शुरू करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, और उसके बाद इनका काफी नाम हो जाता है, काफी कंट्रोवर्शियल भी रहते हैं, और फादर ऑफ साइकोलॉजी भी इनको बोला जाता है, जिन्होंने साइको एनालिसिस को इजाद किया। पार्ट टू में इस पार्ट में उनकी थ्योरीज को देखेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खजाना है ये। तो इनकी थ्योरीज को देखेंगे दोस्तों, देखेंगे कि सिडक्शन थ्योरी क्या होती है, एड ईगो सुपर ईगो क्या होता है, और जो सिगमंड फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस माइंड को पूरा एक्सप्लेन किया वो क्या है, वो अनकॉन्शियस माइंड क्या है। तो ये सारी चीजें देखेंगे, ओडीबीएस कॉम्प्लेक्स देखेंगे, औरतों के लिए इन्होंने क्या कहा है, वो सारी चीजें हम इस पार्ट में देखेंगे। सिडनेस को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेनड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। अपने नंबर पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो दोस्तों सिडक्शन थ्योरी की सबसे पहले हम बात करते हैं। सिडक्शन थ्योरी, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, सिड्यूस होना, सिड्यूस करना, सिड्यूस होना, तो ये किस तरीके से काम करती है ये हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि 1873 में सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की थी वियना यूनिवर्सिटी में। ये एक मेडिकल के स्टूडेंट थे, और 9 साल लग गया था, इतना ज्यादा डीप चले गए थे ये। मछलियों को लेके आते थे, उनको डाइसेक्ट करते थे, बॉडीज को डाइसेक्ट करते थे। एनाटॉमी में, ह्यूमन बॉडी में इनको बहुत इंटरेस्ट था, और इन्होंने ईल्स के भी सेक्सुअल ऑर्गन को स्टडी किया। तो वो सारी चीजों के बाद इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। 1882 में इनको एमडी की डिग्री मिली थी दोस्तों, और 1886 में इन्होंने वियना में अपनी सर्विस शुरू की थी कि आज से मैं अपना एक तरीके से क्लिनिक बना के पेशेंट्स को ट्रीट करूंगा। तो वो जो ट्रीटमेंट था वो क्या था, यहां पे सिगमंड फ्रॉइड के पास जो भी पेशेंट्स आते थे, उनकी मेंटल जो अवस्था है, उनकी दिमागी अवस्था बड़ी खराब रहती थी, वो बहुत परेशान रहते थे। बहुत लोगों को डिप्रेशन होता था, बहुत लोगों को हिस्टीरिया होता था। मेन इन्होंने हिस्टीरिया को ही ट्रीट किया, ठीक है ना, ये भी एक दिमागी बीमारी होती है। तो यहां पर इन्होंने एक चीज सामने लाई कि जो ज्यादातर इनके पेशेंट्स हैं जिनको हिस्टीरिया है, उन्होंने अपने बचपन में सेक्सुअल अब्यूज सहा है, और ये 3 से 4 साल से पहले होता है। इन सबके साथ, इन सबको सेक्सुअल अब्यूज किया गया है, इनको मेंटली तोड़ा गया है, जिसकी वजह से ये जो बीमारी है, ये जो अनकॉन्शियस माइंड में इनकी जो फीलिंग्स है, उस समय तो आ नहीं पाई, लेकिन ये जो स्टोर हो गई है, ये आज इनके दिमाग पे हावी हो रही है। तो इसी को दोस्तों सिडक्शन थ्योरी बोला गया, और ये एक तरीके से तहलका इसने मचा दिया था। यहां पे दोस्तों सिगमंड फ्रॉइड ने 3 पेपर्स इस पे पब्लिश किए थे। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है दोस्तों, और इन्होंने 3 पेपर्स पब्लिश किए थे। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हमारी फीलिंग्स होती हैं, अब अगर वो ठीक है, अगर हमारी इच्छाएं, हमारी फीलिंग्स, अगर उसको ऑनर किया जा रहा है, उसको पूरा किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपको इंजीनियर बनना है, ठीक है, हालांकि ये तो बहुत ही मतलब मैच्योर लेवल पे हो गया, हम इस पे अभी नहीं जाते। मान लीजिए बचपन की हम बात करते हैं, मान लो आपको कोई खिलौना चाहिए, ठीक है, अब आपको खिलौना मिल गया तो आप खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं मिला, ऐसा बहुत बार होता है, अगर वो नहीं मिला तो उस समय तो आप कुछ नहीं कहेंगे, गुस्सा आएगा, लेकिन वो जो फीलिंग है वो रिप्रेस्ड हो जाएगी, वो दब जाएगी कहीं ना कहीं, वो जो आपकी इच्छा है वो दब जाएगी। ये जो सारी चीजें हैं, ये जो दबी हुई इच्छाएं होती हैं, ये जो रिप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती जाती है। वो माइंड जो एक तरीके से जागृत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जागृत भी है, तो वहां पे वो स्टोर होती जाती है, और ये आपकी पूरी पर्सनालिटी को एक तरीके से चेंज करती जाती है धीमे धीमे। तो यहां पे ये अनकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो ये सिडक्शन थ्योरी में यही चीज बोली गई थी कि यहां पे जितने भी बहुत सारे पेशेंट्स को यहां पे फ्रॉइड ने एनालाइज किया था, और बोला था कि यहां पे
जिनके जिनको दिमागी बीमारी है, जिनको हिस्टीरिया की प्रॉब्लम है, या जो बहुत ही ज्यादा परेशान है, उन सब के सब में कॉमन ये है कि सब सेक्सुअल, एवरीबडी वॉज सेक्सुअल अब्यूज्ड। तो ये बहुत बड़ी चीज उन्होंने सामने रखी थी, उनको मोलेस्ट किया गया, उनको परेशान किया गया। और दोस्तों ये पेरेंट्स को वैसे तो, क्योंकि आज भी ये होता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत लोग उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश करते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, कुछ बड़े लोग होते हैं, और बच्चे बेचारे कुछ बोल नहीं पाते। तो यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे सिगमंड फ्रॉयड जो भी चाइल्डहुड से चीजें बताते हैं कि बचपन में ऐसा होता है, बचपन में वैसा होता है, तो सिगमंड फ्रॉयड उसका सोल्यूशन यही देते हैं कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि किस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों को हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को चीजें बतानी चाहिए और ये सब कुछ सिखाना चाहिए कि अगर आपको कोई गलत तरीके से टच करे, अगर कुछ इस तरीके से करे, तो आपको कैसे बिहेव करना है, आपको क्या करना है, तुरंत हमको बताएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद दोस्तों यहां पे सिगमंड फ्रॉइड ने कोकीन पे भी रिसर्च चालू कर दी। कोकीन खुद भी लेने लगे और अपनी होने वाली बीवी को भी खिलाने लगे, लेकिन कोकीन का एडिक्शन नहीं था सिगमंड फ्रॉइड को। हालांकि इनके दोस्त जिनको जिनको कोकीन बांटते थे वो जरूर एडिक्ट हो गए थे। कोकीन का यहाँ पे जो इस्तेमाल था ये दिमाग के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता था। मतलब यहाँ पे ये खोजा था सिगमंड फ्रॉइड ने कि कोकीन को, जिसको भी दिमागी बीमारी है, जिसको प्रॉब्लम है, हम कोकीन का इस्तेमाल करके हिस्टीरिया और बाकी भी दिमागी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि उस समय दोस्तों न्यूरोलॉजी डेवलप हो रही थी। न्यूरोलॉजी वो ब्रांच ऑफ साइंस जो कि मेंटल डिसऑर्डर से डील करती है, आपके न्यूरॉन से डील करती है जो आपके ब्रेन में होते हैं। तो यहाँ पे उस समय न्यूरोलॉजी जो थी वो डेवलप हो रही थी, पूरी तरीके से डेवलप नहीं थी। ठीक है, मेडिकल साइंस में बहुत चुनिंदा साइंटिस्ट थे, चुनिंदा लोग थे जो कि इस फील्ड में काम करते थे। तभी तो सिगमंड फ्रॉइड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस बोला जाता है ना, यही सही। तो ये जो ब्रांच है ये बढ़ गई। तो यहाँ पे दोस्तों सिगमंड फ्रॉइड भी कोकीन पे बहुत ज्यादा रिसर्च करते थे। हालांकि ये जो पूरा इनका कोकीन का एक्सपेरिमेंट था ये डिजास्टर साबित हुआ। 1883 से लेकर 1887 तक कॉम्प्रिहेंसिवली इन्होंने कोकीन पे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन बहुत ज्यादा इनको सक्सेस नहीं मिली। इनके एक सहपाठी को जरूर सक्सेस मिल गई, खैर वो एक अलग बात है। तो यहां पे दोस्तों ऐसी चीज थी कि ये सेडक्शन थ्योरी की हमने बात बता दी है। अब आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अनकॉन्शियस क्या होता है। दोस्तों अनकॉन्शियस की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था जो फ्रॉइड ने बताया था। सिगमंड फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस माइंड को अवचेतन, अवचेतन ही बोलते हैं ना शायद, देख लीजिएगा थोड़ा सा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में हिंदी में। तो अवचेतन मन जो कि अनकॉन्शियस, जो कि जगा नहीं है पूरी तरीके से, जिसकी चेतना भी जगी नहीं है, ठीक है ना। तो अभी हालांकि आगे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से सिगमंड फ्रॉइड ने डिविजन किया है माइंड का, ठीक है ना, इंसान का डिविजन किया, वो अभी मैं बताऊंगा आगे। तो यहाँ पे अनकॉन्शियस माइंड को भी समझाया उन्होंने, बोला था कि जैसा अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि आपको खिलौना चाहिए, आपको नहीं मिला, आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपको नहीं मिली, तो वो सारी चीजें, दबी हुई फीलिंग्स कहाँ चली गई, अनकॉन्शियस माइंड में। ये सब स्टोर होती रहती है, भंडार होता रहता है, ये सब आपके जो भी आपको चीजें नहीं मिलती हैं, जो आपकी फीलिंग्स दब जाती हैं, वो सब अनकॉन्शियस माइंड में जाती रहती है। और बहुत सारी जो भी आप अपने आसपास देखते हैं दोस्तों, आपको लग रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन दोस्तों ये सब आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती जा रही है। कहीं आप लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं, आप भाग गए, लेकिन वो भी आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होगी, सब कुछ स्टोर होता जाता है। अब अगर हमारा कॉन्शियस माइंड इसको कंट्रोल कर लेता है तो सब कुछ बढ़िया, नहीं कंट्रोल कर पाता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इंसान को अवसाद हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, इंसान बहुत परेशान हो जाता है, और इंसान को दिमागी बीमारियां होने लगती हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें काम करती है। अब इसका सल्यूशन क्या है दोस्तों, इसका सल्यूशन सिर्फ एक ही है, मन को शांत करिए। टेक्निक्स भी बताइए यहां पे, अपने आप से बात करिए, ऑलवेज कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, मोटिवेटेड रहिए, हमेशा मोटिवेटेड रहिए, अच्छी चीजें करिए, मेडिटेट करिए और खुश रहिए, तब सब कुछ अच्छा है। अभी हम इसकी भी बात करेंगे, सारी चीजें आज हम समझेंगे दोस्तों, साइकोलॉजी इन ब्रीफ हम सब कुछ समझेंगे। तो ये सारी चीजें थी। अब दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक भी साबित हो सकती है, ठीक है, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया। देखिए यहाँ पे दोस्तों अगर हम आइडियाज की बात करें तो इसमें बहुत सारे आइडियाज होते हैं जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे, बहुत सारी सोच होती है, थॉट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई थॉट
थॉट्स आपके मन में आ रहा है, आपने उसको बोला कि नहीं मुझे नहीं लाना है, इस थॉट को लाना ही नहीं है, वो भी आपके अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। चलो बेटा पीछे चलते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में दूसरे माइंड में इसके स्टोर हो जाते हैं, मजा आएगी। तो यही सब होता है अगर आप मोटिवेटेड है, ठीक है, आपका मोटिवेशन भी अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर होता रहता है, ठीक है ना। आपको बड़ा खुशी हो रही है वो भी कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगा, आपका किसी फील्ड में इंटरेस्ट है लेकिन आप उसको परस्यू नहीं कर पा रहे, वो भी अनकॉन्शियस माइंड में, ये सारी चीजें आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती रहती है दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन आप अवेयर नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि ऐसी कोई चीज है, हमने ऐसा सोचा, लेकिन एक दिन आपको पता चलेगा जब ये अनकॉन्शियस फीलिंग जो है वो आएंगी, और जब वो सामने आती है अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कंट्रोल कर पाए तो अभी मैंने बताया ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो ये जो अनकॉन्शियस माइंड है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइको एनालिसिस में, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, अब ये अनकॉन्शियस माइंड को थोड़ा और आगे ले गए हैं, ये यहाँ पे बताते हैं कि हर दिमागी बीमारी को ठीक किया जा सकता है अगर हम अनकॉन्शियस माइंड में घुस सके। इंसान को हिप्नोटाइज कर दीजिए, इंसान को हिप्नोटाइज कर दीजिए, हिप्नोटाइज करके एक ऐसा आइडिया प्लांट कर दीजिए उसके दिमाग में जो काम कर जाए। अब मैं आपको बताता हूं, आपने इंसेप्शन मूवी देखी होगी, इंसेप्शन मूवी नहीं देखी तो अभी देख लो, उसमें क्या होता है वो सपने में घुस के आइडियाज को चुराता है ना। सपने हमारे अनकॉन्शियस माइंड से ही तो आते हैं, जो चीज हम नहीं कर पाते वही सपने के तौर पे हमको दिखती है, कहीं ना कहीं तो हमने उसको सोचा ही होता है और कहीं ना कहीं वो चीज स्टोर होती है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो हमको सपने दिखाती है सोते वक्त, ठीक है ना। सोते वक्त हमारा अनकॉन्शियस माइंड काम करता है ये आपको पता ही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इन सारी दिमागी बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है, और भी बहुत सारी मेथड्स होते हैं दोस्तों कि किस तरीके से हम चीजों को सही कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं, मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तब आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, इनफैक्ट अपनी आप पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप फ्री एसोसिएट हो रहे हैं, फ्री एसोसिएशन का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, यहाँ पे फ्री एसोसिएशन एक ऐसी टेक्निक इजाद की थी सिगमंड फ्रॉइड ने कि कमाल कर दिया था। फ्री एसोसिएशन का मतलब है बात करो, जो भी थॉट्स आ रहे हैं। सिगमंड फ्रॉइड अपने पेशेंट्स को बिठाते थे, जिनको भी प्रॉब्लम होती थी, जिनको भी डिप्रेशन होता था, अपने पेशेंट से बोलते थे तुम्हारे माइंड में जो भी आ रहा है वो मुझे बताओ, अपने थॉट्स को बिल्कुल भी एकदम रोकना नहीं, जो भी सोच रहे हो मुझे बताओ। और वहां पे पेशेंट जो है वो सिगमंड फ्रॉइड को सब चीज बताते। अक्सर ऐसा होता है हम अपने थॉट्स को नहीं बताते, अगर कोई भी हमारे दिमाग में चीज आ रही है हम कहीं ना कहीं उसको छुपा जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हर किसी ने बताना शुरू किया, जो भी दिमाग में आता गया बताना शुरू किया, तब सिगमंड फ्रॉइड समझ गए कि भैया बहुत ज्यादा डीप है, और यही से ही अनकॉन्शियस माइंड इन्होंने खोज निकाला, और यही से ही स्थापना हो गई साइकोलॉजी की, साइको एनालिसिस की, कि इंसान के माइंड को समझेंगे, एनालिसिस ऑफ अ माइंड। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे इनकी सेक्सुअल थ्योरीज भी काफी ज्यादा क्या कहते हैं कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोस्तों फ्रॉइड थ्योरी की बात करें तो इन्होंने ये बताया है कि हर किसी के पास एक लिबिडो होती है, एक सेक्सुअल ड्राइव होती है, ठीक है ना, और ये सेक्सुअल ड्राइव कभी कभी हमको बहुत ही खतरनाक रास्तों की तरफ ले जाती है, जिसको डेथ ड्राइव बोला जाता है, ठीक है। और ये जो सेक्सुअल ड्राइव है ये हमारी बचपन से ही क्या कहते हैं कि जन्म लेने लगती है। यहाँ पे फ्रॉइड जो है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर देते हैं इस चीज को। एक्सटेंड किस चीज में करते हैं, यहाँ पे वो बताते हैं कि जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे के पास कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो बिल्कुल उसका अभी कॉन्शियसनेस उसकी जागी नहीं है, अभी वो अवेयर नहीं है कि उसकी बॉडी कैसी है। वहां से सिर्फ एक चीज उसको पता होती है, उसकी सेक्सुअलिटी। जी हाँ, यहां पे सेक्सुअल ड्राइव्स का जन्म बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है। अब कैसे, यहां पे दोस्तों तीन स्टेजेस बताई गई हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने से 18 महीने तक, यहां पे आप देखेंगे कि हमेशा कुछ बच्चे जो है वो अपना अंगूठा चूसते रहते हैं या उनको मुंह में कुछ ना कुछ चाहिए ही, तो ये पहला स्टेज होती है, ये फर्स्ट स्टेज होती है, इसको बोला जाता है ओरल यानी कि माउथ, ठीक है ना, कि कुछ ना कुछ बच्चे जो है आप अंगूठा चूसते रहेंगे या आप उनको निपल्स दे देते हैं, तो इसको कहते हैं ओरल, और ये ब्रेस्ट फीडिंग से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना।
दूसरा दोस्तों 18 महीने से 3 साल की उम्र में डेवलप होता है, जिसको कहते हैं एनल। यहां पे ठीक है, एनल से जो भी हमारा बॉल मूवमेंट्स होता है या जो हमारी टॉयलेट होती है, तो वहां से बच्चे जो है वो प्लेजर लेते हैं। और 3 महीने से 5 साल 6 साल की उम्र तक ये जो तीसरी स्टेज होती है, इसको कहते हैं फैलिक स्टेज। मतलब यहां पे जो एरोजेनस जोन होता है चाइल्ड का, वो क्या होता है उसका? फैलस, उसका प्राइवेट पार्ट। और 6 साल के बाद अपनी बॉडी पूरी तरीके से बच्चा जो है वो अवेयर हो जाता है कि किस तरीके से उसकी बॉडी जो है वो काम कर रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिविजन किए थे सिगमंड फ्रॉइड ने कि किस तरीके से यहां पे सेक्सुअलिटी का जन्म होता है। और जो सेक्स ड्राइव है ये बचपन से ही होती है, बचपन से ही डिफरेंट फेजेस में, ओरल, एनल, फेलिक। अच्छा, ये लिखा भी है यहां पे, ठीक है। तो ये चीज बताई थी। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे हम आ गए हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, जो सब चीज आपको क्लियर कर देगी। मुझे इसको सबसे पहले समझाना चाहिए था, मैंने इसको बाद में समझाया, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए, हमारे माइंड कॉन्शियस, याद रखिएगा ठीक है, अनकॉन्शियस। एक हम जागे हुए हैं, हमारी चेतना जागी हुई है। दूसरा अनकॉन्शियस, मैंने आपको समझा दिया है, हमारी चेतना जागी नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहां पे तीन क्वालिटीज का वर्णन है, ठीक है ना। सबसे पहले एड, इसको कहते हैं इंस्टिंक्ट, प्लेजर ड्राइव, ये वो होती है। और ये एड और सुपर ईगो जो होता है वो अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले होती है इंसान की जो क्वालिटी होती है वो होती है इड। इड मतलब ये होता है वो क्वालिटी जो हमको पता नहीं है लेकिन हमारे अंदर है। जैसे मान लीजिए बाहर इंसान बड़ा ही अच्छे से बिहेव करेगा, अरे वाह बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो अकेले में होता है, कुछ क्वालिटीज उसकी ऐसी सामने आती है जो बड़ी खतरनाक होती है। जैसे उसका वॉयलेंट बिहेवियर, उसका गुस्साना, उसका झल्लाना, दूसरों पे चिल्लाना, यहां तक कि मारना पीटना, इन सारी क्वालिटीज को कहते हैं इड। इड एक तरीके से इंस्टिंक्ट्स होते हैं, तुरंत जो होता है, तुरंत एकदम फटाक से। और इसको एनिमलिस्टिक क्वालिटीज बोला जाता है, जानवरों वाली क्वालिटीज होती हैं, ठीक है भाई। चिल्लाना, मारना, पीटना, ये कोई सब इंसान थोड़ी ना करेगा। जो खतरनाक क्वालिटीज होती हैं वो होती हैं इड, मतलब खतरनाक तो नहीं कह सकते उसको, जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं उसको कहते हैं इड। और ये अनकॉन्शियस माइंड में ही होते हैं। पानी के ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये जो ओशन है, इसके ऊपर ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारा कॉन्शियस है, मतलब हम जागे हुए हैं। जो ओशन के नीचे आपको ये इड और सुपर ईगो दिख रहा है ना, ये हम नहीं जागे हुए हैं। इसका मतलब ये सारी चीजें हमारे माइंड में स्टोर है और कभी ना कभी ये सामने आ ही जाती हैं। हम बाहर जो दिखा रहे हैं वो अलग है, लेकिन अंदर जो छुपा रहे हैं, जो हम असली में हैं, वो अलग है। तो ये होता है पूरा एक तरीके से माइंड का स्ट्रक्चर, ये हमारा माइंड है, इसको सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट किया गया है। तो सबसे पहले होती है इड, उसके बाद ईगो। ईगो की अभी हम बाद में बात करते हैं, पहले सुपर ईगो की बात करते हैं। सुपर ईगो होती है हमारी डिविनिस्टिक क्वालिटीज, मतलब मॉरल क्वालिटीज, मतलब दया, भावना, जो बहुत ऊपर की हायर क्वालिटीज होती है ना, उसको कहते हैं सुपर ईगो। अब दोस्तों यहां पे मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाता हूं। देखिए, ये दोनों ही हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती है, इड भी और सुपर ईगो भी, ठीक। अब अगर सुपर ईगो की बात करें, तो मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप, आपसे कोई पुलिस वाला रिश्वत ले रहा है, ठीक है। इड क्या बोलेगा? इड बोलेगा कि रिश्वत दे दो, दे दो, दे दो रिश्वत, कोई दिक्कत नहीं, दे दो फटाक से दे दो, ठीक है। सुपर ईगो बोलेगा, क्योंकि ये बहुत ही हाई क्वालिटी है, नहीं, बिल्कुल नहीं, रिश्वत नहीं देनी, क्योंकि मॉरल प्रिंसिपल पे चलो। कहने का मतलब ये है, हद से ज्यादा इड भी खतरनाक, मतलब अगर इड ये एनिमलिस्टिक क्वालिटी से ये भी ज्यादा खतरनाक है, और हद से ज्यादा सुपर ईगो भी ज्यादा खतरनाक है इंसान के लिए। तो इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है? हमारा ईगो। ईगो जब बीच में आ जाता है तो बोलता है, देखो ना ही रिश्वत दो और ना ही तुम ऐसा करो, बीच का रास्ता निकालते हैं भैया, हमने कुछ गलत नहीं किया तो रिश्वत कैसी। तो बीच का रास्ता निकालते हैं, ना ही हम कुछ गलत करेंगे ना ही बहुत ही ज्यादा अच्छा करेंगे, बीच का रास्ता निकाला जाएगा। तो हमारे माइंड को ईगो कंट्रोल करता है, और हमारी अच्छाई और बुराई को कौन बैलेंस करता है? हमारा ईगो, जो कि हमारे कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। कॉन्शियस माइंड को ही ईगो बोला जाता है,
कॉन्शियस माइंड मतलब जो हम जाग के देख रहे हैं, हमारा हमारी चेतना जगी हुई है और हम कंट्रोल कर रहे हैं अपने मन को, तो ये चीज है। इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं दोस्तों, मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम में ढेर सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब ऑप्शंस आपको दिखे, आपको मान लीजिए एग्जाम में कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे एड क्या बोलेगा कि देखो तुमको कुछ तो आता नहीं है, सारे ऑप्शंस मार्क कर दो, सारे ऑप्शंस मार्क कर दो। लेकिन सुपर ईगो बोलेगा एक भी ऑप्शन नहीं मार्क करो, जब आता नहीं है तो क्यों मार्क कर रहे हो। ईगो बोलेगा ध्यान से सोचो, कुछ ना कुछ जरूर आता होगा, ठीक से मार्क करो, जो आता है वो मार्क करो, जो नहीं आता है नहीं मार्क करो, थोड़ा सा समझ बूझ के अपने डिसीजन लो। तो ये डिफरेंस होता है दोस्तों, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। और इसी इड में हमारी बहुत सारी चीजें आ जाती है, इसी इड में हमारी लिबिडो भी आ जाता है, जो हमारी ओवरऑल सेक्स ड्राइव होती है, इसको एनर्जी भी आप बोल सकते हैं, जो हमारे हर पार्ट को एक तरीके से कंट्रोल करती है। यहाँ पे भी फ्रॉइड ने बहुत अच्छे से समझाया है इसको कि लिबिडो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर कंट्रोल में है तो ठीक है, लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड है तो ये हमको मौत की तरफ ले जाती है, जिसको हम डेथ ड्राइव भी बोलते हैं। ये अनकंट्रोल्ड एनर्जी होती है, ठीक है ना, कि हमारी सेक्सुअल ड्राइव इतनी ज्यादा हो गई कि हम मरने मारने पे उतारू हो गए और हम सब कुछ खत्म कर देंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है दोस्तों, जिसको डेथ ड्राइव बोला जाता है, ठीक है ना। अब यहां पे दोस्तों दो दो तरीके की ड्राइव्स होती है, एक दो एक तो लाइफ ड्राइव होती है, जो आपको जीने के लिए अग्रसर करेगी, यानी कि आपकी पूरी कंट्रोल्ड एनर्जी, मतलब जो आपका ईगो है, ठीक है, वो आपके एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट और आपकी डिविनिस्टिक क्वालिटीज को कंट्रोल में रखेगा। और दूसरा होती है डेथ ड्राइव, याद रखिएगा दोस्तों, लाइफ ड्राइव को एरोस भी बोला जाता है, डेथ ड्राइव को थेनेटोस भी बोला जाता है, शायद थेनोस यहीं से आया होगा, है कि नहीं। थेनोस जो अभी एवेंजर मूवी आने वाली है और काफी ज्यादा उसकी हाइप भी है, तो यहीं से ही आया होगा। तो यहां पे दोस्तों डेथ ड्राइव एक ऐसी चीज है जो इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 में यही हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में जो हुआ, तो फ्रॉइड ने बोला कि ये डेथ ड्राइव का एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके की इंसान का इड, इंसान की एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट उसके ऊपर हावी हो गई है, ठीक है ना। तो यहां पे जब ये सारी चीजें हावी हो जाएंगी तो हम अपने आप को पूरा खत्म कर देते हैं, इसको हमसे इसको बिल्कुल ही खत्म करना है और इस डेथ ड्राइव से हमको बच के रहना है, ठीक है। और जो लिबिडो है वो इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है, लिबिडो मतलब जो हमारी ओवरऑल सेक्स ड्राइव होती है, या जिसको हम एनर्जी भी बोलते हैं, जिससे इंसान कंट्रोल्ड होता है। तो ये सारी चीजें हैं, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी दोस्तों। फ्री एसोसिएशन जब मैं समझा रहा था, अभी मुझे याद आया मैं कुछ चीजें आपको बताना भूल गया था। मैंने आपको अभी बताया था कि फ्री एसोसिएशन की बात करें तो यहां पे क्या बोला था फ्रॉइड ने कि आप खाली बात करिए, आप मुझे बात करिए, जो थॉट्स आ रहा है वो आप मुझे बताएं, ठीक है, जो भी आप सोच रहे हैं वो आप मुझे बताएं। तो यहां पे जितने भी थॉट्स आ रहे हैं उन्होंने बताने शुरू किया। अब इसके चार तरीके होते हैं फ्री एसोसिएशन के, बेसिकली चार मेथड्स होते हैं, मतलब चार तरीके से इसको करना होता है। एक तो ट्रांसफेरेंस, मतलब जो भी आपका थॉट्स आ रहे हैं अनविटिंगली अननोइंगली आप दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों होता है प्रोजेक्शन, ठीक है ना। तीसरा होता है रेजिस्टेंस, आई मीन तीन तरीके होते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, जब भी हम फ्री एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। तीसरा रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी थॉट्स आ रहे हैं आप उसको रोकिए नहीं, आप उसको आने दीजिए और मुझे बताइए कि क्या दिक्कत है। साइकेट्रिस्ट यही तो करते हैं ना, कि अगर कोई बहुत ज्यादा इंसान परेशान है तो वो क्या बोलते हैं, जो भी थॉट्स आ रहे हैं मुझे बताइए, और उसके हिसाब से वो एक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। रेजिस्टेंस मतलब कोई मेंटल ब्लॉक नहीं होना चाहिए। और आपको कुछ चीजें और बता देता हूं कि सिगमंड फ्रॉइड ने ड्रीम्स को भी एनालाइज किया था, सपनों को भी एनालाइज किया था। सपने तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी थी दोस्तों, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, हमारे अवचेतन मन में जो भी चीजें स्टोर होती हैं, देखिए जब तक हम कॉन्शियस है जगे हुए वो चीजें नहीं आएंगी, लेकिन एक बार सपने आने शुरू हो गए तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड का ही नतीजा होता है। जो हमारी फीलिंग्स स्टोर होती है ना, वो सारी हमारी सपनों में आती है। अक्सर आप सोचते, अक्सर आपने भी ये मतलब रियलाइज किया होगा, जब भी सपने आते हैं आपने बोला कि पता नहीं ये कैसे सपना आ गया, मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। आपने कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचा है, कभी ना कभी जरूर उसके बारे में सोचा है, और वो फीलिंग्स आपके माइंड में स्टोर्ड हैं, तभी वो सपना आया है, वरना कभी भी नहीं आएगा। समझ गए? बहुत बहुत सारे लोगों को ये चीजें अब समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। दिमाग के उनके बिल्कुल जो नसें हैं ना वो खुल रही होंगी। देख लो भैया, बहुत ज्यादा डीप चीजें मैं बता रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को ये टफ लग रही हूं,
हो सकता है कुछ लोगों की थोड़ा समझ में नहीं आ रही हो, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज में पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ी टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना आसानी से हो सके ये सारी चीजें आपको समझाऊं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया फर्क क्या, सुपर ईगो, ईगो, इड में कोई दिक्कत नहीं है, डेथ ड्राइव भी मैंने आपको बता दिया, लाइव ड्राइव भी मैंने आपको बता दिया, कोई चीज छूट रही है? हाँ, एक चीज छूट रही है भैया, औरतों को लेकर इनके बड़े ही कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क्स थे, ठीक है। वैसे तो फ्रॉइड बहुत ज्यादा अनएक्सपीरियंस थे वुमेन्स के साथ, ठीक है, औरतों के साथ इनका ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। औरतों के लिए इन्होंने बोला था कि औरतें इंसानों से इसलिए जलती है क्योंकि इंसानों का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो औरतों के पास नहीं होता है। तो इस पे काफी हो हल्ला मचा था कि क्या बकवास कर रहा है, और इस थ्योरी को बिल्कुल ही नकार दिया गया और बहुत सारे लोगों ने इसको लेके काफी क्रिटिसाइज भी किया। और फ्रॉइड का यह भी मानना था कि औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो औरतों को कभी भी समझ नहीं पाए थे, कभी भी समझ नहीं पाए थे कि औरत को चाहिए क्या और औरत को चाहिए क्या। तो इसी के चक्कर में फ्रॉइड ने बोला कि औरत को कुछ नहीं चाहिए बल्कि मेल्स का प्राइवेट पार्ट चाहिए। तो ये चीज के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। बहुत सारी थ्योरीज दोस्तों इनकी काफी क्रिटिसाइज भी हुआ है, और डीपीएस कॉम्प्लेक्स एक ऐसी थ्योरी जिससे बहुत ज्यादा मतलब इसका क्रिटिसिज्म हुआ था। और डीपीएस कॉम्प्लेक्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें यह बोला गया है कि जो बच्चा है, ठीक है, जो बेटा है या फिर बेटी है, तो वो अगर बेटा है तो अपनी माँ की तरफ वो सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है, और अगर बेटी है तो अपने पिताजी की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होती है, और बेटा क्या चाहता है कि वो अपने पिताजी का कत्ल कर दे। तो ये सारी चीजें भी उन्होंने बताई थी, हालांकि इसका बहुत एक्सटेंडेड वर्जन है ओडीपीएस कॉम्प्लेक्स का, फिलहाल अभी मैं इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सारी अलग ही टॉपिक्स है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से कंक्लूजन था ओडीपीएस कॉम्प्लेक्स का। तो इस पे भी काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई और क्रिटिसाइज हुआ, इनको क्रिटिसाइज भी किया गया कि ये किस तरीके की बातें कर रहा है। तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद सेल्फ एनालिसिस की भी बात कही थी यहां पे सिगमंड फ्रॉइड ने कि खुद को भी एनालाइज करो, अंदर झांक के देखो, खुद को भी एनालाइज करो, तो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये सारी चीजें बोली थी सिगमंड फ्रॉइड ने। तो ये सब था। तो आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैंने उनकी सारी थ्योरीज को एक कंक्लूड करके बता दिया है। कंक्लूजन ये था जो उनकी थ्योरीज का था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट था। अब हम दूसरे स्कूल ऑफ थॉट की तरफ चलेंगे, कौन से, कार्ल यंग की तरफ। तो अगली बायोग्राफी एक और साइको एनालिस्ट की, कार्ल यंग के बारे में हम जानेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।